ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लिए थे कि एक रॉड रहती है तो वो कैसे नीचे आती है, और जब वो नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन बदलता है, उसके अंदर शुरुआती दौर में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी आता है, जिस कारण हिंज पर दो फोर्सेज लगते हैं N1 N2, N1 N2 सदैव परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डायरेक्शन AC और AT में लिया जाता है, N1 N2 को निकालने के लिए टॉर्क निकाला जाता है, वर्टिकल सिस्टम हो सकता है या यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लेन सिस्टम हो सकता है। इतनी कहानी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। अब इससे एक और कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। याद करो शुरुआत की क्लास जब हमारी चल रही थी तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी, ध्यान होगा। चलो एक दो मिनट अपन देख लेते हैं। अनंत पार्टिकल है, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, यहाँ पे M1 मास R1 दूरी पे ओमेगा से घूम रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, हा हा हा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर, ऐसे करते करते हाफ MnVn स्क्वायर, हाफ M1 ओमेगा 1 R1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर, अरे M1 M2 भी तो आएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर MnRn स्क्वायर। क्या ये पूरा सिस्टम प्योर रोटेशन कर रहा है? तो इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, ओ हो आहा बड़ा मजा आया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनटू आई इज द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोटेशन। जल्दी बोलो हाँ या ना, इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, साउथ इंडियन ऐसे कहते हैं, इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, समझे क्या? वो प्योर नहीं, वो प्योर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और होना भी यही चाहिए क्योंकि लीनियर और स्ट्रेट मोशन होता है एकदम सीधा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम को रिप्लेस किया आई ने, वी को रिप्लेस किया ओमेगा ने, हाँ या ना? लिखो इतना। अब सवाल करेंगे, अब सवाल करेंगे सब लोग। हाँ वो ऐसे बोलते होंगे, प्योर रोटेशन, प्योर नहीं प्योर अन्ना, लिख लिया? इतना लिखने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल गया, आगे चलते हैं अपन। और कितना आगे ले जाओगे सर, खाइए, अब तो गिर जाएंगे हम, माथा फूट जाएगा हमारा। चलो तो अगर हम बात करें, चलो इधर आ जाओ सभी लोग, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और करेंगे, सबसे बढ़िया एकदम शानदार, मजा आ जाएगा सबको न्यूमेरिकल्स। और रॉड इनिशियली केप्ट हॉरिजॉन्टल, रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, फाइंड द अल्फा एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑन हिंज इफ इट बिकम्स वर्टिकल। एम मास एल लेंथ यहां से छोड़ा, रिलीज्ड। चलो एकदम शानदार क्वेश्चन, प्राण उड़ जाएंगे, मजा आ जाएगा, जिसने सुबह सीखा हुआ है सब कुछ बनेगा उसमें। सभी लोग इधर आओ फटाफट जल्दी। सर इनिशियली हमारी रॉड है ना इस पोजीशन में थी, इनिशियली रॉड इज इन दिस पोजीशन, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नाउ इट बिकम्स वर्टिकल फाइनली,
कैसी होगी? वर्टिकल. इट इज आस्क्ड दैट फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट द हिंजेस एंड द अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल. सो एट दिस पोजीशन रॉड बिकम्स वर्टिकल. हियर वी हैव n2 n1 m1g mg alpha, या मैं अच्छे से लिखूं तो at और centripetal. हाँ या ना? क्लियर है? दिस इज द राइट डायग्राम. Now, आगे देखो. सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं सर, हमें ना इस पॉइंट पर जब ये यहां पे आया था तो ओमेगा जीरो थी, लेकिन सर यहां पर ना ओमेगा जीरो नहीं है और हम जानते हैं कि अल्फा कांस्टेंट नहीं होता, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा नहीं सकते. इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा नहीं सकते तो फिर हम करें क्या? मैंने आपको कहा है जीवन में जहां कहीं भी फंस जाओ कौन बचाएगा? वर्क पावर एनर्जी. तो बात तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में, सर रोटेशनल मोशन चल रहा है सेंटर ऑफ मास की कर सकते हैं, ये यहां से यहां आ गया खड़ा है. लिखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड. अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो यही होगा फॉर्मूला. इनिशियली मान लेते हैं हम एनर्जी जीरो है, फाइनली कितनी हो गई? इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली हो गई माइनस एम जी एल बाय टू हाफ. प्योर रोटेशन हो रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाँ या ना? एम जी एल बाय टू हाफ आई ऑफ द रॉड विल बी एम एल स्क्वायर बाय थ्री ओमेगा स्क्वायर. राइट, एम से एम गया, एल से एल गया, टू से टू गया, थ्री जी बाय एल, इट इज थ्री जी बाय एल अंडर रूट ओमेगा. क्या बड़े आराम से निकल गया ओमेगा? और ओमेगा निकल गया तो एसी को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर. अरे यार तुम लोगों को जवाब देना है, मुझे नहीं देना है, बोलो यार भगवान से तो डरो. हाँ ना, तो बोलो सभी लोग. ठीक है, यहां तक का सर हमको समझ में आया, ओमेगा तक की कहानी हमको क्लियर होगी. अब तो सर वही करना है, क्या करना है? एफ नेट बराबर एम ए लगाना है, पर पहले टॉर्क निकाल लेते हैं, काम करते हैं टॉर्क और निकालते हैं. टाउ अबाउट दिस पॉइंट ओ कितना होना चाहिए? आई अल्फा. कितना होना चाहिए? आई अल्फा. नेट टॉर्क निकालते हैं. नेट टॉर्क क्या आ रहा है सर? ये रही हमारी लाइन N1 N2 का टॉर्क जीरो, इस बार सर Mg का भी टॉर्क जीरो है. नेट टॉर्क कितना? जीरो. इट मींस अल्फा इक्वल्स टू जीरो. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ At इज इक्वल्स टू जीरो. वर्टिकल पोजीशन पे देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ए से बी पॉइंट तक आने में अल्फा जीरो है. इसका सिर्फ मतलब है कि बी वाली पोजीशन पर अल्फा जीरो है. हां या ना? बी वाली पोजीशन पे अल्फा जीरो है. मैं और आगे चलता हूं थोड़ा सा. अल्फा जीरो आ गया, एटी जीरो आ गया, एसी पता लग गया. सर क्यों समय बर्बाद करें, फटाफट एफ नेट लगा देते हैं ना. चलो ना, तो यार क्या दिक्कत है, लगाते हैं एफ नेट बराबर एम ए. नेट फोर्स कितना लग रहा है? सबसे पहले वर्टिकल सॉल्व कर लेते हैं. तो एन वन बराबर क्या हो जाएगा? एन वन. और वर्टिकल में क्या लग रहा है?
एन वन ऊपर की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन प्लस एम जी एम ए सी, तो एन वन कितना आ गया, एन वन आ गया एम जी माइनस एम ए सी की वैल्यू कितनी है ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब थ्री जी एल। आर की वैल्यू कितनी लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर आर में, आर की वैल्यू मैं सेंटर ऑफ मास की पढ़ाई कर रहा हूं क्या, तो आर की वैल्यू क्या आएगी एल बाय टू। एम जी माइनस थ्री एम जी बाय टू कितना हो गया है, माइनस एम जी बाय टू, ये एन वन माइनस का है, नहीं एन वन तो प्लस का आ रहा है, हाँ तो एन वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एम जी बाय टू न्यूटन। Is it clear to everyone present in the class? Negative आया इसका मतलब आपने ऊपर माना है n1 का direction, n1 बेचारा नीचे लग रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो n2 कितना आ गया हमारा, बोलो n2 कितना आ गया, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन आसान था मजेदार था, एक मिनट दूंगा फटाफट लिखो, एक दो मिनट, हमने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया। ध्यान से देखना आंसर ये है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन में 5 mg/2, सॉरी सॉरी n1 is 5 mg/2, सॉरी। और बाकी बच्चों को तो पढ़ाते हैं विनीत, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि मैंने तुम्हें, हाँ मैं पक्का लूंगा इस बार संडे को क्लास, मैंने वाई-वाई को भी, वाई-वाई सर को भी बोल दिया है, ठीक है। चलो जो बच्चों ने अभी 3 बजे सेशन ज्वाइन करा है आपको इसी आईडी पे पढ़े रहना है, आपको क्लास चेंज नहीं करनी है, लास्ट वाला लेक्चर चेंज करेंगे जब तक यही आईडी यूज करेंगे, फोर्थ फेज वाले इसी आईडी पर बैठे रहेंगे, क्लास चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 5:30 के बाद, 5:50 के बाद वाले लेक्चर में आपको आईडी चेंज करनी है। चलिए, सो दिस इज ऑल रॉड केसेस जो कि हमने पढ़े। एक और केस जो कि बड़ा फेमस है वो आता है पुली विथ मास। तुम्हें फील आना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हें रटवा दूंगा तुम्हें और तुम्हें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें फील आना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। पुली विथ मास का मतलब क्या हुआ, हाँ वाई वाई भी कंबाइन लेगा, पुली विथ मास का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई मुझे बता सकता है क्या, देखो पुली को अगर तुम थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे तो वो ऐसी दिखती है, उसमें कैसा बीच में छोटा सा ग्रूव बना होता है, ग्रूव मतलब ऐसी नाली जैसी बनी होती है, ऐसी ऐसी फिर ऐसी ऐसी, जिसमें कि रस्सी चल सके, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मास वाली पुली का मतलब क्या हुआ, ये हमने रस्सी ली, बढ़िया एकदम शानदार, ठीक है, ये रस्सी ली हमने, स्ट्रिंग इज स्टिल मासलेस, यहां पर अपन वही काम करते हैं, दो डब्बे लगाते हैं, आओ डब्बे, एक m1 एक m2, इसका मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस है R, इसका मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस है R। बेटा लेक्चर 7 देख ले सुमित, ठीक है मेरी बात समझ गए। अब पुली का मास होने से क्या नुकसान है, और जब आप हमको NLM पढ़ा रहे थे जब पुली का मास नहीं था तो क्या नुकसान था, मुझे एक बात बताओ, NLM के दिनों में जाओ, NLM के दिनों में रस्सी क्या करती थी पुली पे, सर ऐसे 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 गोल गोल नाचती थी, रस्सी ऊपर नीचे होती थी लेकिन पुली फिक्स रहती थी, पुली ऐसी गर्र 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 गोल नहीं घूमती थी, अरे यार
पुली ऐसा का ऐसा बस गोल बनी रहती थी और रस्सी उस पर नाचती थी, प्योरली स्लिपिंग हो रही थी। इन केस ऑफ आई, कोई नहीं बताएगा ये, प्लीज मेरी बात सुन लो, कहीं नहीं लिखा है किताबों में। इन केस ऑफ आइडियल पुली, इन केस ऑफ आइडियल पुली, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनो। इन केस ऑफ आइडियल पुली, पुली इज फिक्स्ड अबाउट सेंटर, एंड नो रोटेशन। लेकिन तुमने अपने गांव में देखा होगा ना कि पुली रहती है और उसके आसपास से रस्सी जा रही होती है। जब कुएं में से पानी निकालते हैं ऐसे करके, तो रस्सी तो चलती है साथ साथ, पुली भी घर 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 गोल 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 घूमती जाती है, घर 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 ऐसी आवाज भी आती है। बोलो यार, हाँ या ना, आती है? अगर ऐसी आवाज आ रही है इसका मतलब क्या है? एक पिलो ला दे यार पीछे लगाने को, ठीक है? ऐसी आवाज आ रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब ध्यान से सुनना, प्योरली स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। शुरुआत में क्या होता था? प्योरली स्लिपिंग ऑकर, ओके, प्योरली स्लिपिंग ऑकर्स। अब पुली रोटेट कर रही है, और रोटेट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर थोड़ा इसको एक्सपांड कर दूं, मैं इसको एक्सपांड कर दूं थोड़ा सा, तो देखो बेटा ऐसा होता है कि ये दो डब्बे होते हैं और पुली इनमें होती है, तो पुली क्या, रस्सी इनमें होती है अंदर। बताओ, ठीक है, रस्सी इनमें घूमती है, वो छोटी सी ऐसा ग्रूव बना रहता है उसमें घूमती है। अब ध्यान से देखो, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक पॉइंट जो कि मैं पुली के ऊपर ले रहा हूं, बहुत बड़ा बन जाएगा, एक पॉइंट जो कि मैं पुली पे ले रहा हूं ए, और इसी के पैरेलल दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बी, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें ना ऐसे जमीन पर बैठे हो तो तुम्हारा एक तुम्हारे बैक के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं, और एक जस्ट तुम्हारे नीचे ही जमीन पर पॉइंट ले रहा हूं। वैसे ही एक पॉइंट पुली पे और उसी के जस्ट पास वाला पॉइंट रस्सी पे ले रहा हूं। दोनों पॉइंट क्या अलग अलग मूव करेंगे या एक साथ मूव करेंगे? बस ये फीलिंग आना चाहिए तुम्हें भाई साहब, भाभी जी, अरे मेरे देश के वीर जवानों, अगर अलग अलग मूव करेंगे तो स्लिपिंग हो जाएगी ना, और स्लिपिंग हो जाएगी तो रस्सी कुछ घूम रही है और पुली कुछ घूम रही है। पर ऐसा होता है क्या, कुएं से पानी निकालते हो तो? अक्सर हमारे गांव में कुआं नहीं, मोटर लगी है, हमने ऐसे काम नहीं किए कभी, हमारे आरओ से पानी आता है सर, आरओ से पानी निकालते हैं। अरे बोलो यार, तो इस बात को समझो ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझो कि ए और बी एक साथ मूव कर रहे हैं तभी वो पुली और रस्सी दोनों घूम रही है। ए और बी एक साथ मूव कर रहे हैं तभी पुली और रस्सी एक साथ घूम रहे हैं। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, और फ्रिक्शन ही जिम्मेदार है दोनों पॉइंट को एक साथ रखने के लिए। इन दोनों में जो प्रेम संबंध स्थापित होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के ये हो नहीं सकता। क्लियर है सभी को? तो अगर मैं मान लू कि पुली के जो पुली में वो नाली बनी हुई है ना ऐसी, जिसके ऊपर देखो अपनी ना अपनी उंगलियों को ऐसा बेंड करो, तुम्हारी उंगलियों में ऐसा एक ग्रूव बनेगा। सब लोग सब लोग है ना, तो इस ग्रूव में ये रस्सी चल रही है, एक छोटा सा ग्रूव जैसा बन गया, इसमें ये रस्सी चल रही है। ए और बी पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो ए पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, मतलब कि जो तुम्हारा ये अंगूठा है, ये जो तुम्हारा ग्रूव बना है हाथ में, उसमें फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो जो उंगली तुम उसके अंदर चला रहे हो उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा।
क्लियर है क्या सबको फ्रिक्शन का डायरेक्शन? एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्लियर है तो इस रस्सी को खोल कर देखें। देखो मैं सिर्फ रीजन समझा रहा हूं, मैं कुछ इसमें तुम्हें हाईटेक नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूंगा कि इसका क्या कारण है तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन समझ लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। सर रस्सी का इतना हिस्सा यहां से यहां तक का हमने खोल दिया तो हमने ये देखा कि रस्सी के सरफेस पे अंदर फ्रिक्शन आ रहा है ऐसा पटर 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 एफ। अरे मेरे भाई प्लीज सुमित पढ़ ले, मैं रंगोली नहीं बना रहा हूं जो कलर ये कर दो वो कर दो है। हम बचपन में क्या पढ़ते थे, बचपन मतलब एनएलएम में, कि ये भी टी वन होगा ये भी टी वन होगा, दोनों टी टी होंगे जब तक रस्सी ना बदले टेंशन नहीं बदलेगा, हाँ या ना पढ़ते थे ऐसा? ओ भाई साहब अब ऐसा होने वाला नहीं है। देखो यहां पर, अरे यहां पर टेंशन है टी वन, फिर आ गया फ्रिक्शन तो टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे टी टू, और टी टू कितना होगा टी वन प्लस एफ, तो टी टू माइनस टी वन कितना हो गया एफ। ओ, इट मींस सेम रस्सी में अलग अलग टेंशन पाया जाएगा दोनों सिरे पे, क्योंकि बीच में फ्रिक्शन आ गया है और फ्रिक्शन आया है तो ही ये रोटेशन कर रही है। हाँ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद। हाँ टी वन तो इधर लग रहा है, टी टू इधर लग रहा है, तो टी वन माइनस एफ equals to T2, तो T1 minus T2 equals to, sorry, clear है सभी को? अरे पर frictionless pulley पढ़ा, अब मेरी बात सुनो, ideal pulley को तो हम मानते ही frictionless थे, क्यों मानते थे कि pulley ऐसी की ऐसी fix रहे, कुछ गोल चीज नहीं है मेरे पास, pulley ऐसी की ऐसी fix रहे और ये देखो ये रही पुली, ये देखो सामने, ये गोल चीज अगर फिक्स रहे और इसके ऊपर रस्सी नाचती रहे, इसके ऊपर अगर रस्सी नाचती रहे तो ये एनएलएम वाला केस चल रहा है। लेकिन अगर मान लो रस्सी के साथ ये भी गोल घूम रहा है ऐसा, रस्सी के साथ ये भी ऐसा घूम रहा है जो कि कुएं में होता है जनरली, तो एनएलएम कैसे हुआ? ये घूम रहा है ना, तो यहां पे सरफेस पे फ्रिक्शन है ना। क्लियर हुई बात? बढ़िया, आसान है सब कुछ, हर कोई को बनेगा क्वेश्चन। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इन केस ऑफ पुली विथ मास नो स्लिपिंग ऑकर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन and by this tension in a string varies up to, बस इतना लिख लो। टेंशन क्यों बदल रहा है? क्योंकि जहां जहां पे ये ब्लू वाला जो आपने बनाया है, जहां जहां पे कॉन्टेक्ट हुआ है, ये जहां जहां पे रस्सी का और पुली का कॉन्टेक्ट हुआ है वहां पे फ्रिक्शन है, इसीलिए टेंशन बदल रहा है। इन सिरों में टेंशन क्यों नहीं बदला? क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे टी वन और यहाँ पे टी टू। फर्जी मास होता है तो फ्रिक्शन होता है। क्लियर हुई कहानी? मैं आगे चलू क्या? अब एक मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है हर पॉइंट, तुम बोलो तो सभी लोग, मुझे तुम पूछो फिर मैं जवाब नहीं दूंगा, जल्दी जवाब दो, आगे चलू क्या? एक मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है। सर अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि एक पुली है, ये पुली सेंटर के अबाउट फिक्स है, तो टॉर्क ऑन द पुली इज आई अल्फा, ऐसी घूम रही है पुली। बोलो सर ये रस्सी पे फ्रिक्शन इधर, तो पुली पे फ्रिक्शन किधर? पुली 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 पे फ्रिक्शन इधर। घुमा कौन रहा है पुली को, तुम मैं या फ्रिक्शन या टी वन टी टू? कौन घुमा रहा है पुली को? फ्रिक्शन। एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? फ्रिक्शन इनटू रेडियस का टॉर्क मिल गया। किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे देखो तो फ्रिक्शन इधर, रेडियस इधर, टॉर्क मिल गया एफ इनटू आर, इक्वेट कर दिया आई अल्फा से।
क्लियर हुई बात? लेकिन ये एफ ही तो टी वन माइनस टी टू है। आधी किताबों में ना सीधे सीधे ये रिलेशन दिया है, बच्चे को कहते हैं कि बेटे मेरे पुली बना ले, अरे मेरे बेटे पुली बना ले ऐसी, मास ले ले एम, आर ले ले उसकी रेडियस, इसमें टेंशन मान ले टी वन, इसमें मान ले टी टू, मास एम वन एम टू, और जब इक्वेशन लिखे तो टी वन माइनस टी टू आर इन टू ही कर देना। कोई नहीं बताता टी वन माइनस टी टू आया कहां से, देख लो किताबें उठा के, बहुत कम किताबों में दिया हुआ है। तुम्हें समझ में आया वो आया कहां से, उसको लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? फ्रिक्शन। और अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि रस्सी में इधर टेंशन टी वन इधर टी टू होगा, तुम मानते नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा था रस्सी मास, रस्सी हमेशा रस्सी में टेंशन सेम होता है, तो मेरे लिए मजबूरी थी पुराना वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए नया कॉन्सेप्ट बताना। समझ में आई कहानी हर किसी के, चमका दिमाग में? अब ऐसे ढेरों सवाल दे दे वो क्या दिक्कत है, सवाल करें, 1 मिनट में लिखो पहले फटाफट। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इफ देर आर टू मासेस एम एम बाय टू ओवर अ पुली ऑफ मास कैपिटल एम। एकदम रटा रटाया कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां होगा टी वन यहां होगा टी टू, इसका एक्सेलरेशन ए ए ए ए 101 103 तन्मय, एम जी ऊपर लग रहा है टी टू और एक्सेलरेशन ए, इसका मास है एम बाई टू जी, ऊपर लग रहा है टी वन ए नीचे ए, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और एक बार पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इधर आ रहा है टी वन इधर आ रहा है टी टू आर रेडियस पे, और ये सेंटर है जिसके अबाउट घूम रहा है सिस्टम। अब हम लगाते हैं, कहीं भी मान ले बेटा, अगर मैंने गलत माना होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ऐसा अपन रट के तो कभी पढ़ते ही नहीं है कि जहां ए होगा वहीं मानो। हम चल ऊपर नीचे ले लिया एक्सेलरेशन, ऐसा ले लिया, चलो बस ए, और ये ए बाय टू और ये भी ए, सॉरी, ठीक है चल ऐसा ले ले। अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। अगर हम सॉल्व करें तो सर एम जी माइनस टी टू बराबर एम ए, एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू टी टू, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या आ जाएगी? टी वन बराबर एम बाई टू जी एम बाई टू ए, ठीक है, तो एम बाई टू ए प्लस जी टी वन और एम जी माइनस ए टी टू। और अब लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सर? यहां से हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा होगा ए टी इज इक्वल्स टू अल्फा आर, तो ए बाय आर हो जाएगा अल्फा। आई कितना होगा सर? एक डिस्क है जो कि सेंटर के अबाउट घूम रही है, एक डिस्क जब सेंटर के अबाउट घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय टू। अरे हाँ ना बोलो यार, सो क्या रहे हो, जवाब दो सभी लोग। टी वन माइनस टी टू इंटू आर, यही लिखूंगा क्या मैं? एक बार टॉर्क चेक कर लेते हैं, ये इधर टी वन ये इधर टी टू, अब एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ऐसा अल्फा, तो होगा टी वन माइनस टी टू, ठीक है, आर आर स्क्वायर और आर कट गया, टी वन माइनस टी टू बराबर एम ए बाय टू। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? या एक काम करो ना, एक बार टी वन एम जी माइनस ए है और टी टू एम बाई टू जी प्लस ए है, तो टी वन माइनस टी टू यहां से कितना आ रहा है? एम जी माइनस एम ए माइनस ऑफ एम बाई टू जी माइनस एम बाई टू ए। लेकिन ये मास और ये मास अलग अलग है, हाँ थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तीन इक्वेशन तक समझ में आया क्या? ये तीन इक्वेशन आप सबकी आ गई क्या? तीन इक्वेशन सबकी आ गई, ठीक है बहुत है। अभी अपन कुछ और क्वेश्चन डेटा के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एम का कंफ्यूजन भी हट जाएगा। ये कैपिटल एम है और ये सब स्मॉल एम है।
मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये तीन इक्वेशन सर हमारी सबकी आ गई हैं, बस इसके बाद मैथ्स है जो कि आप कभी भी लगा सकते हो अपने जीवन में। संयम सब सही लिखा है, क्लियर है इतना सभी को, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? चलिए जरा एक्सरसाइज वन ओपन कीजिए सभी लोग, एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन ओपन करो, जितने भी मासूम क्लास में बैठे हैं पेज नंबर 139 पहले तो करो, पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन 33 जल्दी से सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पुली है जो कि फिक्स है, फिक्स है मतलब वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती लेकिन रोटेट हो सकती है। उसका ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि आगे आने वाली लाइन में दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस दी हुई है उसकी 20 सेंटीमीटर। इज कनेक्टेड टू अ मासलेस थ्रेड और उसके एंड में लगा है एक मास एम, क्या लगा है, 2 kg का मास लगा हुआ है, 2 kg का मास लगा हुआ है m, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ m निकालना है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो पुली पे एक धागा तो ऐसा लगा है, एक टेंशन इधर लग रहा है t, ये होगा मान लो धागे का कारण t1 और ये पुली घूम रही है अल्फा इधर, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा, टाउ नेट कितना दिया है टी इंटू आर, आई कितना दिया है 0.32, अल्फा कितना दिया हुआ है एटी इज इक्वल्स टू अल्फा आर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय आर, ए अपॉन में 0.20। यहां से देखेंगे तो इक्वेशन क्या आ रही है, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया 20/32, तो इसको क्या लिख देंगे अपन 1.6a और ये भी 0.20। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ऐसा आ रहा है क्या, बोलो सभी लोग जवाब दो, अब इसके बाद में टेंशन में रिलेशन आ गया, एक यहां से लिख लो mg माइनस t बराबर ma, तो t बराबर mg माइनस ma, मास कितना है 2g - 2a और t कितना है 80a, तो यहां से क्या हो गया 82a इक्वल्स टू 20, तो a कितना आ रहा है 20/82। मेरा तो ऐसा गंदा सा आंसर क्यों आ रहा है, ये 8 ए होगा, 80 नहीं होगा, 8 होगा, सॉरी ये 8 ए होगा, तो 2g इक्वल टू 10 a, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है 2 m/s², सॉरी वो थोड़ा सा करेक्शन था। क्लियर है सभी को अच्छे से, आसान है क्वेश्चन, पुली के मास के कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे सर, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क। अरे मिल जाएंगे सब रे, तू तो आधी परेशानी हुई रहती है जीवन, पहले ये तो कर ले,
ठीक है, आगे एक्सरसाइज में सब दिए हैं। चलिए यहां तक का सर हमको सब समझ में आया, कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिगनर बॉक्स थ्री पूरा ही होमवर्क ले लो, एक काम करो बिगनर बॉक्स थ्री होमवर्क, ठीक है, बिगनर बॉक्स थ्री पूरा ही होमवर्क है मॉड्यूल का। यहां पे आके 30% ऑफ रोटेशन, जो कि एक बेस होता है रोटेशन का, वो खत्म होता है। कोई चीज घूमती है तो क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब कुछ यहां खत्म। और एक्सरसाइज भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 73 तक, एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 73 तक, ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग खत्म कर सकते हैं। ये आपका बेस था रोटेशनल मोशन का। अब अपना 30% चैप्टर खत्म हो गया, 20% एक टॉपिक पढ़ेंगे, 40% एक टॉपिक पढ़ेंगे और एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विथ एंगुलर मोमेंटम, राइट, लेट स्टार्ट विथ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो पुराना कुछ लिखना हो तो लिख लो। कोई भी मुझे समझाओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तुम्हें कोई भी जानकारी हो, कभी सुना हो, कुछ पता हो कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? नहीं शाम, बहुत अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा मोमेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओ भाई साहब, इन्हीं चीजों से चिड़े है सर हमें, अच्छी किताबें, जीवन में और कुछ नहीं है हमारे अच्छा करने को। आप भी ऐसा बाद में व्यंगात्मक कहते हैं, सार्कास्टिकली, अच्छी किताबें। अब तो हिंट भी दे दी मैंने, अबे हाँ, किसी दूरी पे मोमेंट का इफेक्ट देखो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मोमेंट क्या जानते थे, एम इन टू वी। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक मास का मोशन की जो फील होती है, एक मास के मोशन की जो फील होती है वो मोमेंटम होता है, पी। तुमने मुझसे न्यूटन सेकेंड लॉ में के पहले पढ़ा था, बोलो राइट। अब देखो अपन तो समझेंगे, मान लो ये एक प्लास्टिक की बुलेट, चीटी ले लेते हैं अपन, चीटी अंट, ओ चीटी रे, उड़ने वाली चीटी, एम मास की उड़ने वाली चीटी, हैविंग मोमेंटम एम वी, मूविंग विथ वेलोसिटी वी, आई और टकराई। ओ भाई साहब, टिश्किया टिश्किया, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, आर एल बी सी डी, तुम कुछ भी ले लो, अपना नाम लिख दो उसमें, मिहिर, बोलो क्या करेगी ये चीटी, बहुत ताकतवर चीटी एकदम, क्या करेगी,
सर तेजी से आएगी, दरवाजे से टकराएगी और इसके अबाउट घुमा देगी दरवाजे। द घुमाओ इफेक्ट ऑफ मोमेंट इज मोमेंटम, आम भाषा में यही है मतलब। और मैं और अच्छे से कहूं क्या, थोड़ा सा और अच्छे से, चलो फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। तो एम वी, और अगर आर परपेंडिकुलर है तो ही देखने को मिलेगा आर परपेंडिकुलर, तो इसको और अच्छे से लिख दो ना सर, आर क्रॉस वी इंटू एम इज द मोमेंटम, इज द मोमेंटम, इज द एंगुलर मोमेंटम। हाँ यार, मैं सवाल कराऊंगा जब दिलाऊंगा फीलिंग, क्योंकि जब मेरे पास डेटा होगा, पता है मुझे, सुन लिया मैंने, समझ में आई क्या इतनी बात? सभी को, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एल, एल से लिखा जाता है एल वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो दो तरीके हैं इसको पढ़ाने के, या तो मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील दिलाऊं और फिर न्यूमेरिकल तक ले जाऊं, या डायरेक्ट बोल दूं कि ये ऐसा होता है, याद करो मैथमेटिक्स में डिफाइंड है, जो मैं करता नहीं है ना, तो तुम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कहां होगा, आर क्रॉस वी जहां होगा, ये रहा वी, ये रहा आर, आर की दिशा में हाथ रख के वी की तरफ मोड़ना है, ऐसे आर की दिशा में हाथ रख के ऊपर, दिस इज एल वेक्टर, आर क्रॉस वी, बोलो। अरे लिखा ही तो था, समझे क्या इतना सभी लोग? क्लियर हुई इतनी बात? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ यार, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अच्छा एक और बात, इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एक्सिस या पॉइंट, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, किस दूरी से किस पॉइंट से ले रहे हो, इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अरे भी कराने तो दे, तेरे पास मोमेंटम का एग्जांपल है कोई, दे जरा मुझे, यही देगा ना, एक गाड़ी चल रही है m मास की, v वेलोसिटी से m into v मोमेंटम, उससे तो बेटर दिया हूं मैं, अभी तो समझ ले, कराऊंगा आगे, क्वेश्चन से ही फील आएगी इनकी, मोमेंट की फील कब आई थी, जब कोलिजन पढ़ा था तुमने, mv कंजर्वड रहता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी थी, वैसे ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेशन में डिफाइन करी है, ठीक है? और नहीं तो बहुत आसान भाषा में याद रखो, बिल्कुल आसान भाषा में क्या याद रखना है बताओ मेरे को, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि mv का इट इज r क्रॉस p, ऐसे याद रख लो, चलो ये एम अंदर आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो ऐसा याद रख लो कि मोमेंटम का किसी दूरी पर भी कोई इफेक्ट होता है क्या? मान लो मेरे को धागे से ऐसा बांध दे पूरा, और एक धागा ऐसा सामने आ रहा है, तुम तेजी से दौड़ते हुए आए, इस धागे को घुमा गए, तो क्या मैं भी ऐसा कुछ होऊंगा क्या, ट्विस्ट, या नहीं होऊंगा? तो तुम्हारे एमवी का मेरे पे कुछ इफेक्ट आया ना, और वो इफेक्ट मुझे घुमा गया ना, बस यही बता रहा हूं मैं फिलहाल, समझे हर कोई अच्छे से? और एग्जांपल देखना है, और एग्जांपल देखो, देखो फील वाले एग्जांपल जो कह रहे हो, इधर देखो, एक चक्री है,
इस चक्री पे इतनी सी दूरी पर, तुम लोगों ने यार वो झूला देखा है बचपन में, एक ऐसा गोल झूला होता है, एक ऐसा गोल झूला होता है, झूला बीच में से लगा हुआ होता है जमीन पे, इससे कुछ दूरी पे यहां पे अगर हम झूले के आसपास गोल 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 घूमने लगे तो झूला भी चलने लगता है। अरे यार ऐसा होता है ना, यहाँ पे अपन पैदल 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 झूले के आसपास गोल 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 झूले पर ही झूले पे खड़े होकर के ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ओहो रे आहा रे, बड़ा मजा आया रे, क्या कर रहे हो रे, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये जो चक्री लगी हुई है ये भी नाचने लगती है ना, खटाखट खटाखट खटाखट। अब उतनी तेज नहीं नाचती, उसका मास तुमसे ज्यादा होता है तो मैं क्या करूं, पर नाचती तो है। हाँ सौम्य, बिल्कुल सही कहा। अरे ये तो वही बात हुई ना, ये थी मैडम हमारी हीरोइन और ये था हमारा हीरो, चलकर यहां जा रहा था और ये पीछे खिसक रहा था, अभी घूमने में आ गया। यहाँ भी तो पहले मोमेंटम कंजर्व करते थे यार इस केस में, अब भी तो एंगुलर मोमेंटम नाम की कोई क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगी कि नहीं? एग्जाम्पल समझ में आया क्या? बोल सकती हूँ दीदी, क्लियर हुई बात अच्छे से क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? सो एंगुलर मोमेंटम की कहानी क्लियर हुई, और आगे देखते हैं। अभी लिख लेना है ना, सबका समय दूंगा मैं लिखने का, समय क्या हो रहा है आज तो समय का कोई ध्यान ही नहीं है, पागल हो गए एकदम। बहुत टाइम है, बहुत भयंकर टाइम है। और आगे देखो, एल वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर डीएल बाई डी टी, क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मेरे को मैथ्स आती थी, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी आर क्रॉस पी, बहुत मजा आने वाला है तुमको। सर मजे मजे के नाम पे जीवन में जहर घुले बैठे हो। डी आर क्रॉस बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, सही लिखा ना मैंने? डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से, क्या था डायग्राम? तो डायग्राम था कि ये दरवाजा है, ये जीडी आई टकराई, ये आर है, ये एमवी है। क्लास के बाद बात करूंगा उनसे, वेट करा ले। हाँ बोल, ये एक्सिस है, ये घूमेगा, है ना? ऐसे ही पढ़ा था हमने। डीआर बाय डीटी क्या होता है? याद करो, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल यहां घुस करके चलता तो ये स्मॉल आर लेता, दूर चल रहा है तो कैपिटल आर ले रहा हूं। बोलो यार, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का समय के साथ बदलाव, वेलोसिटी। अरे यार तुम भूल गए क्या बेटा काइनेमेटिक्स? एक क्वेश्चन आएगा नीट में तो भूल गए? अरे वेलोसिटी हुई ना शुभांशु, सिर्फ वेलोसिटी हुई, याद कर पहली क्लास काइनेमेटिक्स की, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो लिख रहा हूं डीआर। तू ध्यान से देख बेटा, तो वेलोसिटी कहाँ है? सर वेलोसिटी चीटी इधर चलकर आ रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में है। बोल, मोमेंटम एम इंटू वी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, और हम जानते हैं इनके बीच में एंगल जीरो हो गया, तो ये क्वांटिटी तो कट ली क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, साइन थीटा आएगा। अरे यार तन्मय थोड़ी देर चुप रह ले, तू जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। तो मैंने लिखा डीएल वेक्टर बाय डी टी आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स अप्लाइड, दिस इज डीएल बाई डी टी। अरे सर रुक जाओ रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, डीएल बाई डी टी इज द नेट टॉर्क, क्योंकि आपने ही पढ़ाया था आर क्रॉस एफ को टॉर्क बोलते हैं। अरे हाँ ना बोलो, सब कुछ हो गया, तुम देखते रह गए, केक कट गया।
इसका क्या मतलब है, समझो इस चीज को, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी सुन ले 2 मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स टॉर्क। अरे सर ये तो कुछ न्यूटन सेकेंड लॉ के बराबर हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा था? अरे यार न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो तुम ध्यान से, तुम खुद ही देख लो, टॉर्क भी तो आर क्रॉस एफ लेते तो इसी एक्सिस पे आता, एल और टाउ एक ही एक्सिस पे। अरे मैं सही बोल रहा हूं, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, दिमाग में अच्छे से घुस रहा है? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है न्यूटन्स लॉ की। किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स का एनएलएम फ्रिक्शन ही पढ़ रखा हो तो ये सब चीजें गोल घूम के कनेक्ट हो रही हैं। बस अब घूमने में हो रही है, मैं क्या करूं। मतलब सर एक हिंट मिल रही है आपके पढ़ाने से, आप आगे जाकर के कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। बिल्कुल लगाऊंगा ना यार। अरे यार तैयार हो इस बात के लिए? थोड़ी थोड़ी फीलिंग आई एंगुलर मोमेंटम की। देखो रटवाने को तो मैं रटवा भी सकता था एमवीआर। अच्छा अब मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक ऐसे ही प्रश्न है, ये तो तुमने पढ़ लिया, बहुत मजा आया बच्चों, बड़े होशियार हो गए तुम, एकदम दिग्गज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को प्राण उड़ गए हमारे तुम्हारे सबके। क्या लीनियर मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं या सिर्फ रोटेशनल, या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम लिखा है? कर दी ना सर आपने वही बात, पढ़ाया 2 का टेबल, पूछा 22 का है, बोलो भाई। तुम्हें सवाल ध्यान है, एक सवाल करते थे अपन प्रोजेक्टाइल में, चेंज इन मोमेंट। अरे यार वही इतिहास में फिर से दोहराता हूं, एक पार्टिकल को यहां से उड़ाया, यहां यू थीटा मास एम, और कुछ नहीं पता। फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अरे एट पॉइंट बी, जब पार्टिकल पॉइंट बी पे होगा तो एंगुलर मोमेंटम निकाल पाओगे क्या? फ्रॉम ए, नहीं एक सेकेंड, फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए, ए पॉइंट इसको ले लो, व्हेन पार्टिकल इज एट बी। बड़ा आसान है। अरे ये एमवी चल रहा है ना बेटा, इधर मेरे, ये मेरे बच्चे, एमवी इधर चल रहा है ना मोमेंट, ये एंगल थीटा है ना। अभी तुमने पढ़ा ना एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एमवी, अंग्रेजी में लिखू तो एम वी आर साइन थीटा, ये आर, तो ये आर साइन थीटा ना, प्राण ले लूंगा हाँ या ना में जवाब दे दो, जल्दी बोलो यार सभी लोग, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, जवाब दे दो, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, जवाब दो जल्दी। एम वी आर साइन थीटा इज नथिंग, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। वी कुछ नहीं है सर, यू कॉस थीटा है, एम यू कॉस थीटा एच मैक्स, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए व्हेन पार्टिकल इज एट बी। अरे यार बेटा मेरे जवाब तो दे दे। हाँ बिल्कुल ना अथर्व गुप्ता। अच्छा और देखो आगे, तुम यहां खड़े हो, ये बढ़िया, वो स्कूटी पर जा रही है, ये स्कूटी, ये बैठी है वो, और ये उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। ओह क्या सीन चल रहा है,
तोते जैसी नाक वाली, और ये तुम बैठे हो। v वेलोसिटी, m मास, निकल लिया है इस पॉइंट पे। इफ दिस इज h, b पॉइंट पे फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए। कसम है तुम्हें नीट की, कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा है भगवान? तुम ग्राउंड पर ही बैठे हो, देख रहे हो ऐसी मुंडी घुमा के टक्कर, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां चेंज हो रहा है? आज बाल खुले हैं उसके, हवा में उड़ लहरा रहे हैं, पर तुम्हें बाल नहीं मोमेंटम देखना है उसका, एंगुलर मोमेंटम। नाम नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। नाम तो तुम्हारे मन में भी चल रहा है, क्यों मेरे बच्चों? बस उन्हीं की क्लास है। मैं क्यों बताऊं नाम? जवाब दे दो भैया, सोए मत रहो, जाग जाओ, जीवन में बहुत कुछ पढ़ लियो आज तुम। चलो, इसका मास था m, आपने पढ़ाया था कि जब ये यहां आ जाएगा, यहां मैं यहां मान लेता हूं, पहले यहां मान लेता हूं क्योंकि लाइन बनी हुई है, एम वी आर, आर क्रॉस एम वी, यही पढ़ाया था आपने, थीटा, ये एंगल है थीटा, सॉरी मैं दे देता हूं यहां पे थीटा है, अपने मन से मत अज्यूम करो, दिस इज थीटा। सब लोग ध्यान से देखो, एम वी आर साइन थीटा, ये आर, क्या आर साइन थीटा ये होगा? एल एट बी, एल एट ए, आर वन, आर वन क्रॉस एम वी, एल ए, एल ए बराबर एम वी आर वन साइन थीटा, साइन थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन इज अगेन एच। हाँ ना बोलो, क्या मैंने सही किया क्या तुमने गलत पढ़ा? इसका मतलब क्या होता है? एक लीनियर मोशन में भी एंगुलर, मेरी बात को सुनना ध्यान से, पहला नोट जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं, एक लीनियर मोशन में भी फॉर एवरी लीनियर मोशन देयर एग्जिस्ट एन एंगुलर मोमेंटम। ट्रू फॉल्स बना के लिखना बेटा, कभी भी एकदम से पूछ लिया जाएगा, प्राण उड़ जाएंगे। ट्रू, तुम ट्रू फॉल्स दोनों बना के फिर ट्रू को टिक करोगे, ठीक है? If theta equal to 0 degree and theta equal to 180 degree, then only L vector is 0 for a linear motion. For linear motion, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा हूँ, for linear motion. तुम कैसे लिखोगे second point? For linear motion, if theta equal to 0, theta equal to 180, then only L is 0. इसके अलावा दुनिया में किसी भी तरीके से सीधा चला दो आदमी को, इन दो एंगल के अलावा किसी भी एंगल पे देख रहे होंगे, there will always be a angular momentum. हाँ या ना? थीटा इक्वल टू जीरो मतलब तुम इसके पीछे खड़े हो, मान ही नहीं रहे हो, तुम पीछे खड़े हो और देख रहे हो, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है? क्लियर हुई बात हर किसी को? अच्छे से लिखो,
क्या मैं यहां से बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम, तीसरा पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम किसके लिए कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन For a particle in a straight line motion, angular momentum is constant. कब तक constant है? जब तक तुम एक ही जगह से उसको जीवन भर देख रहे हो. यहां से खड़े होकर अगर तुम अपने पूरे अंतकाल जीवन भर देखते जा रहे हो, वो कितना भी आगे बढ़ जाए, तुम्हारा MVR ही आएगा आंसर, MVH ही आएगा आंसर. देख लो, थीटा वन, साइन थीटा वन, साइन थीटा टू, साइन थीटा थ्री, साइन थीटा फोर, सब कुछ H के बराबर ही आएंगे. अरे मैंने अभी कुछ लिखवाया नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं. अब लिखना तो तुम अब चालू करोगे, पहले समझ तो लो. हाँ ना तो बोलो, क्या लिखने में आधे हो रहे हो, इतनी काम की बात समझा रहा हूं. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, इस पे क्या पता, इन्हें थोड़ी पता है नीट, हम दे रहे हैं नीट, परेशान ये हो रहे हैं. अरे यार, क्या 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इस पेज पे जो लिखे हैं समझ पाए या नहीं देश के भविष्य? बहुत बढ़िया. ऐसा पूछा गया है एग्जाम में कि आप खड़े थे रोड पे, आपके सामने से वो निकल ली और आप उसे देखते रह गए, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, विल वेरी. आप क्या बोलोगे, जब तक वो सीधी चल रही है, मैंने जगह नहीं बदली है, तब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. मैं जगह बदलूंगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदल जाएगा ना कुछ वैल्यू उसकी, क्योंकि एच बदल जाएगा. तो एक ही जगह पर बैठे हुए, मान लो तुम्हें कुर्सी दे दी गई, भैया देख ले तू तो एक बार में ही मन भर के, और वो सामने से निकल गई, सटाक, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. चालू करें लिखना. सबको फील आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, तो मैं अच्छे क्वेश्चन सिखा पाऊंगा. चलो लिखो जल्दी से. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. गुड नाइट. ठीक है.